लिए ट्रैवल चैनल क्यों शुरू किया? बाय यूट्यूब। मैं ट्रैवल तो करती हूँ, लेकिन मैंने इसको शेयर करने का डिसीजन कब लिया? मेरा सफ़र कुछ ऐसा था कि मैंने इन द ईयर 2018 फर्स्ट ट्रिप प्लान किया सोलो। मेरा जो प्लान था कि मैं अकेले कैसे घूमने जाऊँ, तो मेरे पास बहुत ही लिमिटेड बजट था किया। एंड मुझे लोग पूछते थे कि दीपिका, तुमने इतने कम बजट में कैसे ये ट्रिप कंप्लीट किया, तुम्हें कैसे ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है। तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। हम सब मिल के एक कम्युनिटी बनाए, we all come together to create this beautiful journey of deep thoughts. जब मुझे टाइम स्पेंड करना था अपने साथ, तो मैंने पता लगाना शुरू किया कि मैं अकेले कहाँ घूमने जाऊँ। एंड मैंने प्लानिंग की खुद, विदाउट एनी ट्रैवल एजेंसी, विदाउट एनी फ्रेंड्स। एंड मैंने उसको अकेले, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। मैं खुद अकेले घूमने गई। एंड वहाँ से घूम के आने के बाद आई रियली सेट फ्री। मैं उस जगह से, उस डार्क फेस से निकल आई। तो दिस वॉज वन थिंग जो ट्रैवल ने मुझे हेल्प किया मेरे लाइफ में। उसके बाद मेरा सिलसिला शुरू हो गया अकेले ट्रैवल करने का। बहुत सारा डर था जब मैं फर्स्ट ट्रैवल करने जाने वाली थी। इंसान इतने बुरे नहीं होते हैं हर जगह, ये आपको पहली चीज़ सीखने मिलता है। यू विल गेट मैनी पीपल जिनको आप रीच कर सकते हो। किसके साथ हंसी मजाक करूँ? वेल, देर इज़ नो बेस्ट फ्रेंड अदर देन योर सेल्फ इन योर लाइफ। आप अकेले आए हो इस दुनिया में और अकेले ही जाओगे, और बीच में जो है सफ़र, वो आप ही को तय करना है। तो मैंने ये चीज़ सीखी है अपने लाइफ से कि जब आप ट्रैवल करने जाते हो तो आपके दोस्त बन जाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल आपके दोस्त बन जाते हैं। आप नए लोगों को अपने कॉन्टैक्ट्स में लाते हो और उनसे सीखते हो, वो आपसे चीज़ें सीखते हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप खुद कोई चीज़ को अगर सोच लेते हो तो आप कंप्लीट कर सकते हो थ्रू ट्रैवल। तो मेरा सफ़र कुछ ऐसा था। मैंने सारा एक्सपीरियंस नोट डाउन किया। एंड मुझे लोग पूछते थे कि दीपिका, तुमने इतने कम बजट में कैसे ये ट्रिप कंप्लीट किया, तुम्हें कैसे ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है।
तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेरे चैनल का लोगो ये टाइगर क्यों है? अगर आप इस लोगो को ध्यान से देखें तो इस लोगो में देयर आर थ्री डिमेंशंस, दो टाइगर की आंखें हैं एंड एक जो दो आंखों के बीच में जो फोरहेड है वो डिमेंशन। तो मेरे चैनल का जो थियोरी था वो था फूड, फिलॉसफी एंड ट्रैवल। तो ये तीन डिमेंशंस या तीन पिलर्स हैं, वैसे ही जो मेरी आंखें हैं वो है फूड एंड ट्रैवल। एंड ये दोनों से मुझे जो सीखने मिला दैट इज़ द फोर हेड, दैट इज़ फिलॉसफी। तो इसीलिए टाइगर लोगो है मेरे चैनल का। है दीपिका, तुम्हें ऑफिस से छुट्टी कैसे मिल जाती है? वेल दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ एडवांस में प्लान करें एंड अगर आप बाकी 365 डेज अच्छे से काम करते हो, देन आपकी सुपीरियर्स को या आपके बॉस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको छुट्टी देने के लिए। एंड अगर आप खुद एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है काम कैसे करना है, तो आप काम एडवांस में भी फिनिश कर सकते हो एंड देन छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट टिप ये है कि आप देखें कि लॉन्ग वीकेंड कौन सा आता है एंड पूरे साल में कितने छुट्टियाँ ऐसे हैं जो सैटरडे संडे के साथ कंबाइन हो जाता है। तो मैं ऐसे छुट्टियों को, जैसे ही हमारे ऑफिस में कैलेंडर आ जाता है, मैं ऐसे छुट्टियों को मार्क कर लेती हूँ। सेकंड, मैं ये देखती हूँ कि मुझे कौन से जगह जाना है। ये इस चीज़ को लेके तो हम सब कंफ्यूज होते हैं कि हमें नॉर्थ इंडिया जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, लेकिन पता नहीं जाए कहाँ एंड तक। तो मैं इससे डिसाइड करती हूँ। सबसे पहले मैं मेरे डेट के साथ चार पांच डेस्टिनेशन जो अलग अलग जगह है वो नोट कर लेती हूँ। नोट करने के बाद मैं स्काई स्कैनर वेबसाइट में जाकर www.skyscanner.co.in इस वेबसाइट पे जाकर मेरे सिटी से उस सिटी तक जहाँ मुझे घूमने जाना है उसके फ़्लाइट रेट्स चेक करती हूँ। टू वे फ्लाइट रेट्स चेक करने के बाद मैं ये डिसाइड करती हूँ कि हाँ, मेरे बजट में सबसे बेस्ट ये बैठ रहा है। सेकेंड, मैं कैसे डिसाइड करती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है? अब तो मैंने फ़्लाइट रेट्स जान लिए, मैं ये देखती हूँ कि मानिए मैं जाने वाली हूँ मार्च के महीने में, लेकिन वहाँ मुझे बर्फ़ जनवरी में मिलेगा। तो भले ही फ़्लाइट के रेट्स बहुत कम हो, लेकिन मैं अगर वहाँ मार्च के महीने में पहुँची, मुझे वो बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ऐसी जगह चूज़ करती हूँ जो सीज़न हो वहाँ जाने का, एंड ऐसा डेट चूज़ करती हूँ कि मुझे मेरे ऑफिस को ज़्यादा नुकसान ना हो, मेरे काम को नुकसान ना हो, बहुत ही लंबी वीकेंड हो और उसके साथ दो लीव्स अप्लाई कर सकती हूँ। तो चार पांच दिन का जो हॉलीडे होता है, मैं ऐसे प्लान करती हूँ। जब आप कोई लोकेशन सिलेक्ट करते हो, आप ये पता करो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। फर्स्ट, क्या आपको हसल एंड बसल ऑफ द सिटी पसंद है? डू यू रियली वॉन्ट टू शॉप? कल्चर एक्सप्लोर करना है आपको किसी जगह का, या आपको रियली कोई शांत जगह जाना है जहाँ पे माउंटेन्स हो, रिवर हो, फॉरेस्ट हो? आपको पढ़ना है, आपको केवल वहाँ का खाना खाना है? आप ये देखिए, ये देखने के। तो मैं चाहती हूँ अगर आप भी मेरे जर्नी से एसोसिएट होना चाहते हो, तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड डू शेयर माई वीडियोज़,
ताकि और लोग हम सब मिल के एक कम्युनिटी बनाएं. वी ऑल कम टुगेदर टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ डीप थॉट्स.